दोस्तों, सत्र 2019-20 के लिए अतिथि शिक्षकों के जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में। और यहाँ पर बड़ी जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अनुभव के अंक यहाँ पर मिलने चाहिए अतिथि शिक्षकों को। जो अनुभव प्रमाण पत्र अभी बन रहा है, क्या उसके अंक यहाँ पर मिल सकते हैं, और अगर मिलेंगे तो कितने अंक मिलेंगे, और इससे जो अतिथि शिक्षक हैं क्या उनका फ़ायदा होगा। स्टूडियो हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए, तो परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारा कोड यूज कर सकते हैं GURJGOV40 40% की छूट के लिए। तो अभी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम लोग सीधे चलते हैं वेबसाइट पर। तो वेबसाइट है www.guruji.official.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली की पहली यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अतिथि शिक्षक नियुक्ति सत्र 2019-20 अनुभव के आधार पर भर्ती। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूरी की पूरी खबर निकल के सामने आ रही है। तो ये देखिए, कैलारस की ये खबर है। मुरैना, जो कैलारस मुरैना की एक तहसील है कैलारस, वहाँ की एक खबर है। अतिथि शिक्षक कांग्रेस ने वहाँ पर मांग की है कि सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती अनुभव के आधार पर की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अतिथि शिक्षक में कार्य कर चुके लोग आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। मंगलवार को आयोजित बैठक में अतिथि शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिकरवार, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि पूर्व में जो अतिथि शिक्षक पोर्टल पर कार्यरत हैं उनको यथावत रखा जाए, फिर जो है अनुभव को प्राथमिकता देते हुए अतिथि शिक्षक भर्ती की जाए। इससे हमारे पुराने साथी अंदर हो जाएंगे। जब पुरानी रिटायर शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भर्ती के 100 अंक दिए जाते हैं तो नियमानुसार जिन अतिथि शिक्षकों ने 5 वर्ष से अधिक कार्य किया है तो उनको भी प्राथमिकता दी जाए, और जिसने 4 वर्ष काम किया है उसको 100 अंक दिए जाए। सिकरवार ने कहा कि अनुभव में भी तमाम तरह की भ्रांतियां आ रही हैं, जैसे कि अतिथि शिक्षकों का ऑनलाइन डेटा कई अतिथि शिक्षकों का नहीं निकल रहा है, ऑफलाइन औपचारिकता प्राचार्य कर नहीं रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। किसी भी साथी कि 2 वर्ष से ज़्यादा 3 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव फीड नहीं किया जा रहा है, जबकि यदि किसी ने 12 जो है यहाँ पर क्या है कि 12 सत्रों में काम किया तो उसका उतना ही अनुभव फीड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है बात कही जा रही है, और अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी सरकार को यहाँ पर दी है। तो दोस्तों, बड़ी खबर जो है यहाँ पर यही निकल के भाई आ रही है कि जो अनुभव के अंक हैं वो मिलना चाहिए यहाँ पर, और पुराने जो भी बाहर हो गए हैं उनको अगर अनुभव के अंक मिलते हैं तो डेफिनेटली वो अंदर हो जाएंगे। आप लोगों का क्या यहाँ पर सुझाव है, कमेंट है नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और बाहर हो गए हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वेबसाइट से आप अपडेट रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ताज़ा जानकारी मिल जाती है सबसे पहले, और वीडियो के माध्यम से देना पॉसिबल नहीं हो पाता है इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सटीक जानकारी मिल जाती है। तो ज़रूर जब भी आपको जैसे ही समय मिले आप वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आपसे दूर नहीं रहेंगी। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपको सबसे पहले वेबसाइट पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।